डबरा SDM राघवेंद्र पांडे ने कोरोना वायरस की आपदा पर सभी विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग ली। कोरोना की आपदा को देखते हुए ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह के निर्देशन पर डबरा SDM ने कहा कि बाहर से आने वाले या जिन्हें अन्य राज्यों से लाए जाने वाले स्थानीय मजदूर और स्टूडेंट्स की पहले जांच होगी और रिपोर्ट आने तक उन्हें उन स्थानों पर रोका जाएगा जो निर्धारित की गई है। इसमें मॉडल स्कूल चांदपुर के छात्रावास और प्राइवेट स्कूल और होटलों को भी रखा गया। वहीं डबरा तहसील के अंतर्गत बिलोवा में अपर तहसीलदार प्रतिज्ञा शर्मा के समक्ष प्राइम स्टील फैक्ट्री ने 51,000 रुपये का चेक डबरा SDM राघवेंद्र सिंह को रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए दिया। साथ ही सब्जी मंडी और अनाज मंडी में किसानों की भीड़ को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन लागू करने की बात कही। बैठक में डबरा तहसीलदार नवनीत शर्मा, डबरा TI यशवंत गोयल और CMO सहित अन्य उपस्थित थे। ये बहुत सारी व्यवस्थाएं थी जिन जो पेंडिंग थी, तो मुफ्त में जो खाद्यान्न बिटना है प्रति परिवार 10 लोगों का, वो वितरण की व्यवस्थाएं जमानी थी। दूसरा, मंडी में भीड़ भाड़ बहुत हो रही है, व्यापारी बहुत आ रहे हैं, तो किसान बहुत आ रहे हैं व्यापारियों से माल बेचने के लिए, उसको हमें रेगुलराइज करना था। तीसरा, जो निगरानी समितियाँ बन रही हैं, जो क्वारंटाइन वाले हैं उनकी निगरानी की समिति बन रही है, उसके लिए हमें कुछ मार्गदर्शन करना था, इसके लिए बैठक बुलाई गई। जैसे आपके नियंत्रण में चला आ रहा है और आपने कुछ जगहों से अपने एनएसएमबी की है, मॉडर्न स्कूल वगैरह जहाँ पर बाहर से आएंगे या कोई मरीजों के लिए जो भी पाए जाते हैं सब्जी, तो उससे आपका क्या करना है? उनको निगरानी करने के लिए एक कमेटी बनाई है, जो कोई भी बाहर का व्यक्ति आएगा तो उसको पहले वो करेंगे, चेक करेंगे, उसका स्क्रीनिंग करेंगे, फिर उसको क्वारंटाइन करेंगे, उसको पूरी निगरानी में रखेंगे ताकि वो किसी यहाँ के लोकल व्यक्ति को प्रभावित न कराए। जैसे आज है ना, आप तो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं सभी को, राज्य ना बेलूगा में भी इंसान जाकर इसकी चेक दिया गया है रेड क्रॉस सोसाइटी से, तो उससे और आप वहाँ पर जाएगी तो जाँची भी आपके लेकिन उससे आपका क्या कर रहे हैं? हाँ, ये तमाम कुछ लोग स्वेच्छा से कुछ जो जन सहयोग कर रहे हैं, कुछ दान कर रहे हैं, उनको उसमें एक स्टील फैक्ट्री बिलौवा में है, उन्होंने भी कुछ 54,000 की दान राशि अच्छे ही लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अधिक से अधिक लोगों को लोग दान करें ताकि गरीब लोगों की मदद कर सकें।